फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना ये है कि कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। तो फॉर्म करीब 63,000 बच्चे भरे थे जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था। 63,000 बच्चे का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, जिसमें से अप्रॉक्स 55,000 बच्चे रिटेन देने के लिए गए थे। कितने लोग, कितने बच्चे दूर सेंटर होने की वजह से ना जा पाए। तो जो 55,000 बच्चे रिटेन के लिए गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि करीब 8,300 बच्चे 8,300 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। रिटेन क्वालिफाई किए थे वो लोग, और 8,300 बच्चे में से लोग बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से मात्र 5,300 बच्चे ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए। और इतने आसान फिजिकल होने के बावजूद भी, और इतना लंबा अंतराल कोविड के वजह से मिला, फिर भी इतने ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आपको याद होगा कि 3 जनवरी को मतलब इसका रिटेन का रिजल्ट आया था, तो 8,300 बच्चे सेलेक्ट थे। और इसका जो फिजिकल एग्ज़ाम हुआ है, तो वो आपका वही सितंबर के करीब में, नवंबर में हुआ था। हाँ, नवंबर में इसका फिजिकल एग्ज़ाम हुआ था, और दिसंबर में आपका ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिकल क्वालिफाई कितने बच्चे किए थे, 5,300। तो 5,300 बच्चों को ड्राइविंग के लिए बुलाया गया था, और जो 5,300 बच्चे थे, तो ड्राइविंग में करीब उस 5,300 में से 4,000 बच्चे सेलेक्ट हुए ड्राइविंग के लिए, 4,000 कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए ड्राइविंग के लिए। और उन 4,000 बच्चों में से 1,632 का मेरिट लिस्ट में नाम जारी हुआ। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि टोटल सीट थे 1,722, और हम जानते हैं कि बिहार में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन है, और 3% एक्स्ट्रा OBC महिलाओं को रिजर्वेशन है। तो इसके बारे में विस्तार से हम देखेंगे कि, तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, पांच गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया गया। किसके लिए? फिजिकल के लिए 5 गुना अभ्यर्थी रिटर्न में क्वालिफाई हुए। तो 5 गुना अभ्यर्थी, जैसे कि मान के चलिए ये है फीमेल, फीमेल का तो था नहीं, मान के चलिए ये है, मान के चलिए कोई भी हो, जो भी है, तो मान के चलिए 448, तो इसका 5 गुना अभ्यर्थी, इसका 5 गुना अभ्यर्थी को किसके लिए बुलाया गया? फिजिकल के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से कितने हो गए टोटल, 8,300 बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया गया। अब उसमें से जो बच्चे पास किए वो कितने थे, 5,300, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि मात्र 100 महिला अभ्यर्थी थी जो कि रिटर्न क्वालिफाई की थी, 100 महिला में से अप्रॉक्स 44 महिला ही थी जो आपका ये क्या बोलते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए मतलब पास हुई थी फिजिकल, बहुत ही कम महिला पास हुई थी। तो 44 महिला में से मात्र 14 महिला है जो ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट पास हुई, और उन 14 महिलाओं का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जैसे देखिए क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है कि अगर जो सीट है अगर वो बच जाता है, तो पुरुष अभ्यर्थियों को इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर 46 है इसमें इडलवेस में महिलाओं के सीट, तो अगर महिला कैंडिडेट की उपलब्ध ना होती हैं, तो ये 46 जो सीट्स हैं वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे, मेल में, ठीक है। अगर मेल उपलब्ध ना होता है और फीमेल अधिक है, तो
फीमेल में ये इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए जनरल सीट किस किस कैटेगरी में, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल बिहार के। वैसे अभ्यर्थी जिनका EWS नहीं बना हो, वैसे अभ्यर्थी जो मतलब जिनके पिताजी का इनकम 8 लाख से अधिक है, तो वो सब EWS ना बनवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को हो, OBC के हो या SC कैटेगरी को, वो लोग जनरल में फाइट करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में मात्र 17 बच्चे, और इसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे आते हैं, तो मात्र 17 बच्चे ही हैं जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। और वीमेन के बहुत सीट थे, पर वीमेन की संख्या उपलब्ध ना होने की वजह से मात्र 14 महिला अभ्यर्थी पास हुई ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट में, और 14 का मेरिट बना। और ये 14 महिला को जनरल कैटेगरी के महिला वाले सीटों में जगह दिया गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि जो गुड़गा के सीट जनरल कैटेगरी से ही मिलता है, और उसका जो उनके लिए 14 को सीट जो रिजर्व किया गया था, तो उसमें से मात्र 7 अभ्यर्थी ही ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट में पास हुए और उनके मेरिट लिस्ट जारी हुआ। और ST कैटेगरी में 38 कैंडिडेट पास हुए हैं, और EWS में 269 पास हुए हैं। उसके बाद SC कैटेगरी में 362 पास हुए हैं, और EBC में 514 और BC में 414। तो अब देखेंगे कि ये 714 जनरल कैटेगरी का सीट वो किस किस कैटेगरी में गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जनरल बिहार अदर स्टेट के जो जनरल कैंडिडेट हैं बिहार के और अदर स्टेट के, वो उनकी संख्या कितनी है, मात्र 17। ये 714 में से मात्र 17 ही सीट पे जनरल अभ्यर्थी ले पाए। बाकी का सीट किन किन के खाता में गया है, वुमेन 14 ली हैं, तो भाई तो इनका तो 33% रिजर्वेशन था, तो ये तो अपनी ही कैटेगरी से लिए महिला जनरल के। और दूसरे EWS कैटेगरी से 100 अभ्यर्थी जनरल के कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उनका। SC कैटेगरी से 96 और ST से 15 और गोरखा से 7 और EBC और से वो तो अभी भूल गए यहाँ पे लिखना, नहीं तो उसके भी डिटेल्स देते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, इस कैटेगरी से। ठीक है, या